कोचिंग खुलने पर व्यापारियों व हॉस्टल संचालकों के चेहरे भी खिल गए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी, तलमंडी व्यापार संघ हॉस्टल एसोसिएशन अध्यक्षों ने कहा कि कोटा में आने वाले छात्रों का स्वागत किया जाता है। कोचिंग व्यवसाय कोटा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में कोटा व्यापार जगत हॉस्टल एसोसिएशन का दायित्व बनता है कि छात्रों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोचिंग छात्रों के लौटने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, इसे यूं ही बरकरार रखा जाएगा। होटल एसोसिएशन ने चैनल के माध्यम से कोटा में आने वाले छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का जिम्मा उठाते हुए कहा कि वह कोटा में आने वाले हर छात्र के स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि शिक्षा का माहौल वापस पटरी पर आए और कोटा की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो। किया गया है किसी तरह का जो है उसमें फूड पॉइजनिंग ना हो, किसी तरह की उनकी पुरानी खाना ना खिलाएं, बासी खाना, इस तरीके की सारी जो है गाइडलाइन का पालना करने के लिए हमने बच्चों को ही बोला है वो मास्क लगा के रखें और अपनी जो है डिस्टेंस गाइडलाइन की पालना करें। और जिस तरीके से कोटा पहले से जो है अर्सोलित था, आज मान के चलें कि आज जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि 2 साल बाद हमारे यहाँ त्यौहार मनाएगा। आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कोटा में आने वाले प्रत्येक छात्र का हम हॉस्टल व्यवसायी उनकी स्वास्थ्य का, उनकी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखेंगे। किसी भी तरह से उनकी स्वास्थ्य के प्रति किसी भी तरह से लापरवाही नहीं होगी। हम पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को आपके माध्यम से ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक सदस्य राजस्थान सरकार द्वारा बताई गई कोरोना गाइडलाइंस की पालना करेगा, उनके स्वास्थ्य के प्रति उनके खाने पीने का उनका पूरा ध्यान रखेगा और किसी भी तरह का कोई भी तरह का हमारे यहाँ पे कोरोना का केस नहीं आने दिया जाएगा। हमारे सारे जो सदस्य हैं तैयार हैं, हमारे पास सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, हमारे पास में मास्क की, हमारे पास में जितने भी हाइजीन के जो लेवल हमारे मैस पूरी तरह से तैयार हैं। और ये रौनक देख के जहाँ पर कर्फ्यू जैसा माहौल हुआ करता था, आज वहाँ ये रौनक जिस तरह से बच्चों का आवागमन, उनके अभिभावकों का आवागमन हो रहा है, एक कोटा की लाइफलाइन वापस शुरू होने को जा रही है, तो ये एक अपार हर्ष का विषय है। और हम चाहते हैं कि कोरोना गाइडलाइन की हम पूरी तरह से पालना करें, प्रोटोकॉल की पालना करें, बच्चों को समझाएं, बच्चों को अच्छी तरह से रखें। और हॉस्टल व्यवसायी 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, जहाँ वैक्सीनेशन नहीं होगा वहाँ पर हम लोग उनको गाइडलाइन दे रहे हैं कि कोई भी हमारा स्टाफ विदाउट वैक्सीनेशन नहीं रहे।